My name is Shikha and you are watching Discover Learning. In our today's video, we are discussing about the three confusing terms, Bill, Act and Ordinance. So, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. अगर हमारे गवर्नमेंट को कोई भी लॉ बनाना होता है तो उसका जो फर्स्ट प्रोसेस होता है ड्राफ्ट करना. फिर हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि लॉ आखिर कौन ला सकता है. तो पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर या कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं उनमें से कोई भी मिनिस्टर जो है लॉ ला सकता है. जैसे कि मान लीजिए कि पार्लियामेंट का कोई मेंबर है और उसको एजुकेशन पे कोई लॉ लाना है, तो फर्स्ट वो क्या करेगा, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ बैठकर ड्राफ्ट तैयार करेगा. और ड्राफ्ट में क्या किया जाता है, ड्राफ्ट में उस लॉ के बारे में उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स को लिखा जाता है कि जो लॉ लाया जा रहा है उसके मेन ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे. अभी जब ड्राफ्ट बन जाता है ना, तब ये इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में. अब ये जो ड्राफ्ट है ये ड्राफ्ट नहीं रह जाएगा, जब ये पार्लियामेंट में एंटर होगा तब ये बन जाएगा बिल. अब इसको ड्राफ्ट नहीं कहा जाएगा. अब ये पार्लियामेंट में जैसे ही आया ये बन गया बिल. अब ये बिल जो है, अब इस पर डिस्कशन होंगे, डिबेट्स होंगे बहुत ज़्यादा. और अगर ये लोकसभा और राज्यसभा यानी कि बोथ हाउस से पास हो जाता है और ये पहुंचता है प्रेसिडेंट के पास, और अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि वो लोग जो लॉ है वो पास होना चाहिए, तो वो क्या करेंगे, इस पर साइन कर देंगे. और अगर इन्हें साइन कर दिया तो ये जो बिल था, ये जो बिल था ना, ये उसी दिन से बन जाएगा एक्ट और एज अ लॉ पूरे नेशन में फॉलो किया जाएगा. तो अब आप समझ गए होंगे. देखिए, अगर कोई लॉ लाना है हमें तो पहले वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ बैठकर उसका ड्राफ्ट बनाया जाएगा. और ड्राफ्ट में क्या किया जाता है, ड्राफ्ट में उसके मेन ऑब्जेक्ट्स को लिखा जाता है, डिफाइन किया जाता है. अब जब भी ये इंट्रोड्यूस होगा पार्लियामेंट में, वैसे ही ये बन जाएगा बिल. और जब इस पर प्रेसिडेंट साइन कर देंगे, जब ये दोनों हाउस पास हो जाएगा और प्रेसिडेंट इस पर साइन कर देते हैं, तो ये बन जाएगा एक्ट और एज अ लॉ पूरे नेशन पर ये फॉलो किया जाएगा. अब देखिए, पार्लियामेंट हमेशा सेशन में तो रहती नहीं है, उसका भी कोई टाइम फिक्स होता है. जैसे कि देखिए, ये टाइम कहीं लिखा नहीं गया है, बट देखिए तीन सेशन होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन एंड विंटर सेशन. अब जो बजट अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है, ये बजट सेशन चल रहा है. इसका टाइम पीरियड क्या होता है, इसका होता है जनवरी से अप्रैल तक. और ये जो मानसून सेशन है ये जुलाई से सेप्टेम्बर तक चलता है. वहीं जो विंटर सेशन है ये दिसंबर से जनवरी तक चलता है. ये जो दो सेशन होते हैं, इनका मैक्सिमम जो गैप होता है वो होता है 6 मंथ का. इन दो सेशन के बीच में 6 मंथ का गैप होता है. और अगर ऐसी कंडीशन है कि पार्लियामेंट को में का जो सेशन है वो नहीं लग रहा है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और कोई ऐसा लॉ है जो जो प्रेसिडेंट को बहुत अर्जेंट है कि उसको पास करना चाहिए और उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है इंडिया में, तो जो प्रेसिडेंट है वो इस कंडीशन में क्या करेंगे, उनके पास आर्टिकल 123 जो है ऑर्डिनेंस का पावर देता है जो प्रेसिडेंट को. उसमें ये कहा गया है कि जब भी पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहेगी तो प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस जारी करने का जो पावर है, उसमें वो लॉ को जो है जारी करा सकते हैं. वहीं 213 आर्टिकल गवर्नर को ऑर्डिनेंस का पावर देता है. ऑर्डिनेंस को हिंदी में बोलते हैं अध्यादेश. तो ये आर्टिकल्स आपको बहुत याद कर लेने हैं, क्योंकि ये बहुत बार पूछे गए हैं, MPPSC हुआ या UPSC हुआ और बहुत मेन एग्जाम SSC में तो मोस्टली पूछे जाते हैं ये. तो ये आर्टिकल्स आपको याद कर लेने हैं. और ना, ये जो अध्यादेश होता है इसका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है वो होता है 6 मंथ और 6 वीक. अब मैं आपको बताऊंगी ये 6 मंथ और 6 वीक क्यों बोल रही हूँ मैं. तो देखिए, 6 मंथ तक दो हमें पता है कि दो पार्लियामेंट के सेशंस का बीच का गैप क्या होता है, 6 मंथ. अब जब 6 मंथ पूरे हो जाएंगे तब तक तो ये सेशन में तभी आएगी ना 6 मंथ के बाद, तो 6 मंथ तक ये फॉलो रहेगा. अब मैं यहाँ पर 6 वीक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 6 वीक या 7 वीक तक उस पर डिस्कशन चलता है पार्लियामेंट में. जो अध्यादेश जारी किया था प्रेसिडेंट ने, उस पर अब पार्लियामेंट में डिस्कशन चलेगा और देखा जाएगा कि इसको लॉ बनाना चाहिए या नहीं. अगर उनको लगता है कि लॉ बनाना चाहिए तो वो बना सकते हैं और इसको एबॉलिश भी किया जा सकता है. तो ये होता है ऑर्डिनेंस. तो आई होप अब आप ऑर्डिनेंस भी समझ गए होंगे. तो मैं आपको एक बार फिर से अपन रिवीजन करते हैं इसका. कोई भी पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस का पावर देता है, वहीं 213 जो है वो गवर्नर्स को ये पावर देता है अध्यादेश का. अब देखिए, अब एक लॉ कैसे आता है. देखिए, अगर कोई लॉ आएगा तो सबसे पहले उसकी ड्राफ्टिंग की जाएगी, कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ इसकी ड्राफ्ट की जाएगी. अब ये जब पार्लियामेंट में आ जाएगा तो इसको बिल कहा जाएगा, और जब ये दोनों हाउस से पास होकर प्रेसिडेंट इस पर साइन हो जाएंगे तो ये एक्ट कहा जाएगा और एज अ लॉ पूरे इंडिया जो है उसमें फॉलो किया जाएगा. तो आई होप यू लाइक आर टुडेस वीडियो. इफ यू लाइक आर टुडेस वीडियो देन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.